हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसएससी वेदा। कैसे हैं आप लोग? और आज हम क्या बताने वाले हैं आपको, एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा आप वेट कर रहे थे जिसका। हाँ जी फ्रेंड्स, और वो है कि हम इकोनॉमिक्स का क्रैश कोर्स फाइनली स्टार्ट कर रहे हैं अब, जिसकी सबसे ज़्यादा डिमांड हुई थी। सभी स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेज या मेल या फेसबुक मैसेंजर सब जगह ये कहा था कि मैम इकोनॉमिक्स स्टार्ट करें पहले, हिस्ट्री के क्रैश कोर्स जो कि हम ऑलरेडी ख़त्म कर चुके हैं मॉडर्न हिस्ट्री का, और अब हम इकोनॉमिक्स की तरफ चल रहे हैं। तो हमारा क्रैश कोर्स ये कल से स्टार्ट हो रहा है, 6 दिसंबर से। और इस कोर्स की कुछ हाइलाइट्स मैं आपको बता देती हूँ। मैंने सोचा कि आपको पहले इसलिए बता दूँ कि आप सब अवेलेबल हो, उसको अच्छे से पढ़ाई करें। ये कोर्स बहुत ही एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, जैसे कि हमारा हिस्ट्री वाला था, आपको वहाँ उससे पता चल ही गया होगा कि किस तरह का कोर्स मैं आपको यहाँ प्रोवाइड कराने वाली हूँ। बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट, बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड, जो भी फालतू की चीज़ें हैं वो सब कट आउट करके और एक अच्छी सी पीडीएफ के साथ। लेकिन इस बार एक और चीज़ है कि ये वाली पीडीएफ जो होगी वो बाइलिंगुअल होगी, क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हिंदी मीडियम के हैं, जो नहीं समझ पाते इकोनॉमिक्स की टर्म्स को। और इकोनॉमिक्स की टर्म्स वैसे ही इंग्लिश और हिंदी में ज़मीन आसमान का अंतर है। हिस्ट्री में नहीं था इतना, लेकिन इकोनॉमिक्स में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। इसलिए उन स्टूडेंट्स को भी लेते हुए ध्यान में मैं ये कोर्स की पीडीएफ बनाऊंगी, और समझाते वक्त भी वो चीज़ें ध्यान रखूंगी। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर होंगे इस बार। नई चीज़ ये भी इंट्रोड्यूस करिए कि हर चैप्टर के बाद जो कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो उससे आए हैं वो मैं उसके साथ ही उस चैप्टर के बाद डिस्कस करा करूँगी। क्योंकि अगर देखिए प्रीवियस ईयर में क्या होता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस तो रिपीटेड होते हैं, तो मैं उनमें से जो एक एक कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करूँगी इंपॉर्टेंट वाले, और ये सारी चीज़ें करा दूँगी। और ये बेस्ट होगा यूट्यूब पे, ये फॉर श्योर है दोस्तों। इकोनॉमिक्स आप सर्च कर लो यूट्यूब पे, कहीं कुछ नहीं मिलेगा। इंग्लिश मीडियम में मिलेगा तो सिलेबस कंप्लीट नहीं मिलेगा, सिलेबस कंप्लीट कहीं पर तो है ही नहीं, और बाइलिंगुअल भी नहीं है, और किसी ने अच्छे से समझाया भी नहीं है। लेकिन आप यहाँ भरोसा कर सकते हैं, आपको इतनी अच्छी तरह से समझाया जाएगा, चाहे वो कोई कॉन्सेप्ट हो, चाहे वो डेफिनेशन हो, चाहे वो कोई ग्राफ हो, चाहे वो ग्राफ की शेप्स हो, हर चीज़ यहाँ पर बताई जाएगी। और क्लासेस कब होंगी? क्लासेस सुबह 10 बजे हुआ करेंगी, और कौन कौन से दिन? थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, क्योंकि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे हमारा वोकैब सेशन आता है, और थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे हमारा इकोनॉमिक्स का सेशन आएगा। क्योंकि फिजिबल नहीं था कि तीन तीन वीडियोस एक दिन में ऐसे डाल पाना, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको अभी आज ही एक वीडियो दी है। किस पे दी है? नेशनल पार्क्स पे दी, सेंचुरीज पे दी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पे दी है। तो अब आप इसलिए ये चीज़ आपको पॉसिबल नहीं हो पाती कि तीन तीन वीडियो बना पाऊँ, तो मैंने इसलिए आपको इसका टाइमिंग 10 बजे करा है कि आप लोग आएँ और थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे को देखें। अब इसमें क्या क्या टॉपिक्स कवर होंगे, कैसे सिलेबस चलेगा, क्योंकि लोग कोर्स तो स्टार्ट कर देते लेकिन सिलेबस नहीं बताते, क्योंकि शायद वो कंप्लीट ना कर पाए। लेकिन मेरी स्ट्रैटेजी बिल्कुल ऐसी नहीं होती। मैंने आपको इंग्लिश के क्रैश कोर्स में भी जैसे बताया है सिलेबस, बिल्कुल वैसे ही उतने ही दिनों में आपका एक एक चीज़ कवर होगा। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी, अब डे 4 हो चुका है आज, कल डे 5 आएगा, और उसके बाद एक फाइनल शीट आएगी पीडीएफ की। और ये चैलेंज है, चाहे जिसने पढ़ा है या जिसने नहीं पढ़ा है, सबको शेयर करो। उसके क्वेश्चंस अगर आपसे सारे नहीं हो पाएंगे, कोई भी उसमें पूरे पूरे मार्क्स नहीं ला सकता, ये मेरी गारंटी है। जो जो यहाँ से पढ़ रहा है हमारे चैनल से, सिर्फ वही ला सकते हैं, उसके अलावा कोई भी नहीं ला पाएगा। इतने अच्छे क्वेश्चंस हैं, इतना अच्छा कंपाइलेशन है, इसलिए उसको ज़रूर करें। और इसी तरह से ये इकोनॉमिक्स का भी कोर्स जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही कोई क्वेश्चन आपका बिल्कुल बाहर से नहीं आ पाएगा एग्जाम में। अब क्या क्या सिलेबस है इसका देखो, पहले तो माइक्रो इकोनॉमिक्स कराएंगे हम आपको। माइक्रो इकोनॉमिक्स में कौन कौन से टॉपिक कवर होंगे? आपके कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, इससे पहले आपका पीपीसी कर्व, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, फिर डिमांड होगा, फिर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगा जिसपे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, ग्राफ और न्यूमेरिकल्स भी आते हैं एसएससी में, फिर प्रोडक्शन फंक्शन होगा, फिर फॉर्म्स ऑफ मार्केट होगी जिसमें आपका ये सब आता है, ओपन मार्केट, मोनोपोली, ओलिगोपोली, ये सारी चीज़ें विद ग्राफ होंगे। फिर कॉस्ट आएगा आपका, फिर उसमें मनी और सारे M1, M2, M3, M4, फिर रेवेन्यू आएगा, फिर प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम आएगा, फिर सप्लाई आएगी, और फिर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो ये सारी चीज़ें आएंगी आपका रेवेन्यू में, आपका जैसे AR, MR, ये सारे कर्व्स बताऊंगी, सारी चीज़ें बताऊंगी। मैक्रो इकोनॉमिक्स में उसके बाद फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट होगा, उसमें आपके नेशनल इनकम आएगा, GDP, GNP, NNP, उनके सभी फॉर्मूले किस तरह से बनाते हैं और ये क्या होता है और किस तरह से हमारी इकोनॉमी पे इम्पैक्ट करता है ये। फिर मैं आपको टैक्सेस बताऊंगी, टैक्सेस में सारी तरह की आपकी प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव, डिग्रेसिव, हर तरह की टाइप्स बताऊंगी इसमें अच्छे से आपको। देन आपके इन्फ्लेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है,
तरह तरह के इन्फ्लेशन, स्टैग इन्फ्लेशन और जो भी इन्फ्लेशन के टाइप्स हैं वो सारी, और वो कब कब कौन सी कंडीशन में आपका रिसेशन होता है, कब क्या होता है और अनएम्प्लॉयमेंट होता है, ये सब चीज़ें इसमें बताई जाएंगी। फिर आपका बजट डिस्कस होगा, फिर आपकी जो बैंकिंग टर्म्स है रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, लिक्विडिटी, ये सारी चीज़ें डिस्कस करी जाएंगी। देन फॉरेन एक्सचेंज रेट की इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पर क्या इफेक्ट होता है इसका, और फिर लास्ट होगा आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड डेफिसिट, जिससे भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद आपका इंडियन इकोनॉमी में जाएंगे, उसमें आपके 5 ईयर प्लान्स, सेक्टर्स, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमी डिस्कस होगा। तो इस तरह से आपका कोर्स चलेगा। और एक और चीज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट, जो शायद लोग कवर भी ना करें, इकोनॉमिक्स के कोर्स में नहीं करते हैं जनरली, बट यहाँ पर कवर होगा कि जो भी आपकी लेटेस्ट मॉनिटरी पॉलिसीज़ हैं या गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उन सबको यहाँ डिस्कस करेंगे। जैसे अभी आपका मसाला बॉन्ड्स होते हैं, ऐसी ग्रीन बॉन्ड्स आया है, तो इस तरह की चीज़ें जो आपकी आती है शेयर्स में आ रही है, इक्विटी शेयर्स में आ रही है, प्रेफरेंस शेयर्स में, डिबेंचर्स, इन्वेस्टमेंट, जो भी चीज़ अभी लेटेस्ट मोदी जी कर रहे हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो करंट अफेयर्स की हो, चाहे वो पहले आ चुकी हो, चाहे कोई भी एक्ट हो, वो मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगी टाइम टू टाइम। ये आपकी स्पेशल वीडियोज़ आती रहेंगी कोर्स के बीच में ही, ताकि आपको इसके लिए अलग से वेट ना करना पड़े। ये हर वीकली आपकी 1 या 2 वीडियो इसकी आ जाया करेंगी। जैसे आपकी अभी स्टैटिक जीके की वीडियो स्टार्ट हो गई है आज, तो अब ऐसी एक एक करके उस स्टैटिक जीके में भी आपके डैम्स आएंगे, आपकी डांसेस आएंगे, आपके टेम्पल्स आएंगे, आपकी एक्सरसाइज आएंगी, और जो भी मुझे स्टैटिक लगता है, जो आपकी इंडिया की जो नेबरिंग स्टेट्स हैं और नेबरिंग कंट्रीज़ भी जो हैं, सात आठ जो भी कंट्रीज़ हैं उनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल SSC उन पे भी जाने लगा है, CHSL में बहुत क्वेश्चंस थे उससे, तो मैं वो सब चीज़ें आपकी कवर करूँगी। इट इज़ अ 1.11 कंप्लीट इंग्लिश एंड GS चैनल। अगर आपने अब तक भी इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। देखो दोस्तों, इतनी मेहनत कर रही हूँ, जैसा आप लोग चाहते हैं वैसी चीज़ें आपको प्रोवाइड करा रही हूँ, और आप वीडियोज़ भी नहीं देखते और ना लाइक करते ना शेयर करते, थोड़ी ये थोड़ा डीमोटिवेटिंग है। आप अगर आप चाहते कि कोर्स इसी तरह से अच्छे से चलता रहे और कंटिन्यूड रहे, तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें और पढ़ते रहें। अगर आप मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे तो मुझे इतना मोटिवेशन मिला कि मैं 2 की जगह 3-4 वीडियोस भी लाऊंगी और नए नए और अपडेटेड चीज़ें आपको सब पढ़ाऊंगी एग्जाम ओरिएंटेड। तो इसलिए दोस्तों बने रहें, और कल हमारी पहली क्लास होगी इकोनॉमिक्स की 10 बजे, क्योंकि कल थर्सडे है, तो आप उसको देखना बिल्कुल ना भूलें। अपने दोस्तों को भी शेयर करें, अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।